श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए धन संग्रह अभियान के पूर्व मालवा प्रांत में वाहन रैली निकाली गई। इस श्रृंखला में बेडमा में भी भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली में आने वाले सभी कार्यकर्ताओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। साथ ही रैली की शुरुआत मंडी प्रांगण से हुई। वाहन रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पहुंची, जहां मां आरती की गई। इसके पूर्व नगर के त्रिवेणी चौक पर स्थित सरकारी राम मंदिर पर कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वाहन रैली का नगर के अनेक स्थानों पर स्वागत भी किया गया। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज बेटमा नगर में जो हमारा मालवा प्रांत है, प्रांत के आह्वान पर पूरे प्रांत में एक साथ आज ही के दिन बाइक रैलियों के माध्यम से आयोजन किया गया था, जो प्रत्येक मंडलों में था, मंडल स्तर पर प्रत्येक गांव में था। और प्रत्येक गांव में जाकर के हर मंदिर में जाकर के पूजा आरती करना थी, हनुमान चालीसा करना था। ऐसा प्रत्येक हमारे बेटमा खंड के मंडल 9 मंडल है उनमें भी ऐसी बाइक रैली, छोटी छोटी बाइक रैलियों के माध्यम से और बेटमा नगर में बड़ी बाइक रैली के माध्यम से आज हमने बाइक रैली निकाली। क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को जो हिंदू समाज पे कलंक था, उस कलंक को ढा दिया गया था। 6 दिसंबर ये अंग्रेजी तारीख थी, लेकिन उस दिन भी गीता जयंती और आज भी गीता जयंती है। इसी गीता जयंती शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में हमने आज बेटमा नगर में भी भव्य और अच्छी बढ़िया तरीके से वाहन रैली निकाली है। और आगामी कार्यक्रमों के लिए हमारे पास जो कार्यक्रम है, घर घर जाना है और भगवा पताकाएं के माध्यम से भी हमें समाज जागरण करना है, हिंदू समाज को अलग अलग प्रकार से हमको जागरण करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।